और वही युद्ध के मैदान में न्यूज 18 की टीम हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रही है। न्यूज 18 की टीम हर उस जगह का जायजा ले रही है जहां पर हमास के हमले हुए। तेल अवीव से न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पूरा का पूरा एस्केलॉन वॉर जोन में तब्दील हो गया है। अभी न्यूज 18 इंडिया की टीम थोड़ी देर पहले मिसाइलों के बीच फंसी थी। इसराइल की तरफ से भी हमला हो रहा है, हमास की तरफ से भी हो रहा है। और देखिए ये मिसाइल, आपको ये मिसाइल छोड़ी गई थी, क्या स्थिति है। इस तरह से हर मिनट पे, कुछ कुछ मिनटों पे इस तरह की मिसाइल छोड़ी जाती है। और यहाँ देखिए, यहाँ आकर टकराई है। उन धमाकों की गूंज हमें भी सुनाई दी थी। यहाँ कुछ मार्केट एरिया खुले हुए हैं और इस तरह की तस्वीर आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। हर तरफ शीशे टूटे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम आपको हर जगह की तस्वीर आपको दिखा रही है, देख सकते हैं। ये मिसाइल, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले ये मिसाइल छोड़ी गई। दोनों तरफ से इस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ आकर टकराया था, यहाँ आकर टकराया था। करम आप दिखाइए, ये यहाँ आकर टकराया और इसकी गूंज यहाँ से 100-200 मीटर तक हम तक सुनाई दी थी, जहाँ गाड़ी के शीशे टूट गए। और यहाँ ये देखिए, इस तरह से बीच बीच में लगातार जो ध्वस्त होते हैं बिजली के खंभों पर, बिजली की तार पर प्रभाव पड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता। और इधर करम, इधर दिखाइए, ये एस्केलॉन में है। एस्केलॉन सबसे बड़ा शहर है दक्षिण का, जहां हमास ने हमला किया, जिसका जवाब दक्षिण में शहर है, हमास से नज़दीक है, तो हमास के निशाने पे सबसे नज़दीक भी है। और हमास को निशाना लगाना भी यहां से, हमास को भी निशाना लगाना आसान होता है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई गाजा पट्टी में, देख सकते हैं किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं।